अपनी शहनशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हरिओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसने भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की भगवते वासुदेवाय प्रभु नमो भगवते वासुदेवाय प्रभु नमो भगवते वासुदेव। ओम शनो आवतु शनो भुनक्तु वीर्यं करवावहि तेजस्वी अधीतमस्तु मा विद्विषावहि। हरिओम शांति शांति शांति। ओम प्रभो ब्रह्म विद्या गीता भगवती की जय हो। बड़भागिन उपास्थित गीता अनुयायी मंडली, माताओं, बेटियों, बुजुर्गों, मेरे नेक विचारशील भाइयों, बड़ी एकाग्रता पूर्वक आप सुनिए ये बहुत ही लाभकारी, हितकारी एवं अत्यंत क्रांतिकारी अध्याय है भक्ति योग 12वां अध्याय। बहुत ही गजब ढा देता है ये हम सब के लिए, क्योंकि हम सब के सब भक्ति के माध्यम से अपना कल्याण किया चाहते हैं। भक्ति के माध्यम से हम लोग अपने रास्ते को या अपनी मंजिलों को तय कर रहे हैं। इसलिए भक्ति के बारे में यथासंभव, यथामति, यथाशक्ति बताने समझाने की पिछले कई दिनों कोशिश की गई। भगवान करे मेरा यह पुरुषार्थ रंग लाए और भक्ति को आप यथार्थ समझते हुए आप अपने कल्याण कर सके। अब हम महाराज जी के क्रम अनुसार इस अध्याय में प्रवेश कल से कर चुके हैं, जहां अर्जुन का पहला प्रश्न है। प्रश्न है अमृत की धार है। कमाल कर देता है अर्जुन, देख रहा है या सुन रहा है, बता रहा है कि कितनी एकाग्रता से, कितने प्रेम पूर्वक उसने इस प्रसंग को सुना है। और सुन करके प्रश्न भी क्या मार्ग का, जिसमें मेरा आपका आने वाली अनेक भक्तिमती पीढ़ियों का लाभ होगा। मैं फिर प्रेम से कहूंगा, जरा घर बार भूलते हुए और पूर्ण अपना मन लगाते हुए, क्योंकि एक घड़ी आधी की बुनियाद तुलसी संगत साध की कोट कटे अपराध। ये ऐसे प्रसंग है कि इसमें कई बातें ऐसी गजब की आती है कि हमारी काया कल्प हो जाती है। देवी, ये मेरा अपना अनुभव है, मैं शास्त्र पढ़ के नहीं कह रहा, अनुभव के आधार पर कह रहा हूं। ये अध्याय और दूसरा अध्याय है कि अमृत भी शर्मिंदा होकर रोने लग जाता है कि कितनी मिठास है इनमें। भगवान ने मेरे में मिठास नहीं भरी जितनी के भगवान ने अपनी वाणी में मिठास भरी है, जैसा मैं और आप अनुभव कर रहे हैं। और इसमें तो क्रांति है, इनकलाब है, एकदम इंसान बदलता है। हमें अपनी राह सूझ जाती है, पता लग जाता है कि कैसे मैंने अपना कल्याण करना है, क्योंकि हम सब के सब कल्याण कामी जीव हैं। जितनी मेरी बेटियां और मेरी माताएं सब कल्याण कामणी हैं। सबके मनों में यह हार्दिक कामना है कि हम खाने पीने में न रह जाएं, कुछ अपना कल्याण करके इस जहान से चलें। चलना तो है ही, पर कुछ कल्याण करके जाएं। ये जो भाव है, ये हमारी भावना 12वां अध्याय पूरी करता है। इसलिए मैंने बार बार कह के प्रार्थना करते हुए आपको 12वां अध्याय जबानी याद कराया हुआ है। आप 12वां अध्याय कंठस्थ किए हुए हैं और यथासंभव आप इसका उच्चारण भी दिन में करते रहते हैं, इसलिए ताकि इसका प्रभाव गहरा उतर जाए। तो आइए आप समझ भी ली कि महाराज जी का फरमान क्या है भक्ति के विषय में, भक्ति या डिवोशन के विषय में। क्योंकि हम लोग जज्बाती हैं, इमोशनल माइंडेड हैं, खासकर मेरी ये माताएं, बेटियां, महिलाएं बहुत ही आप भावुक हृदया हैं। आपके लिए तो ये अध्याय बहुत ही गुणकारी है। आइए जरा हम समझ ली और फिर अपनाने में जुटे तो हुए हैं, और भी हमारे में उत्साह बढ़ जाएगा और भी हमारे में एक प्रेरणा आ जाएगी इसको अपना करके रंग लाने की और अपना कल्याण करने की। परमात्मा करे हम अपनी इस मिट्टी को, जो कि 5 तत्वों की बनी हुई है, सफल करके जाए। अंतःकरण भी हमारा सफल होकर जाए। तरीका भगवान बता रहे हैं, हम दिलो जान से एड़ी चोटी का जोर मारेंगे अपनाने की में और इस रंग के चढ़ाने में। अर्जुन प्रश्न करता है। अर्जुन कौन? भगवान का उच्च कोटि का भक्त। अर्जुन कौन? अपना कल्याण चाहने वाला। अर्जुन कौन? जो गिड़गिड़ा के कह चुका है, मैं चेला हूँ मेरी मदद कीजिए, जो हो नेक रास्ता बता दीजिए। सवेरे यही प्रसंग चला हुआ है आजकल। ये वो है अर्जुन जिसके रोम रोम से भगवान का नाम होता है। ये वो है अर्जुन जो कि सिंसियर और सीरियस है भगवान के भजन करने में। अब भूल जाओ कि अर्जुन एक योद्धा है, भूल जाइए अर्जुन वॉरियर है या एक वीरवार है, बिल्कुल गलत। वो अगर ऐतिहासिक रूप में जानना होगा या महाभारत को पढ़ेंगे तब हम कह पाएंगे, लेकिन अब ये प्रसंग भक्ति का है। अर्जुन को हम कहेंगे वो चोटी का क्या साधना करने वाला भक्त है। अर्जुन एक स्पिरिचुअल एस्पायरेंट है, अर्जुन तालिबे हक है। उर्दू जानने वालों, अर्जुन इज इक्वल टू तालिबे हक। ये हक मैंने परमात्मा, तालिब मैंने इच्छुक, परमात्मा का इच्छुक। जिज्ञासु नहीं कहेंगे, भक्त कहेंगे। अंग्रेजी में आप कहिएगा सीकर, ये ढूंढने वाला है, ये डिवोटी है, खूब जुटा हुआ है, लगा हुआ है दिलो जान से, यानी मनसा वाचा कर्मणा एक होकर के जुटा हुआ। इसी तो हुजूर ने कहा है सारे पांडवों में धनंजय मैं। 10वें अध्याय में कितना आदर दिया भगवान ने। आप पाठ करते हैं तो बोलते हैं पांडवों में धनंजय मैं हूं। वाह वाह। यहाँ भगवान कहती हैं, बाकी नाम लेती हैं, पक्षियों में गरुड़ में हूं, वृक्षों में पीपल में हूं, मुनियों में व्यास में हूं, आहा सिद्धों में कपल में हूं। वहां भगवान कहती है पांडवों में धनंजय यानी अर्जुन मैं हूं। कितना आदर, कितना मान। ध्यान देना मेरे बच्चे, बड़े ध्यान से भगवान करे एक एक शब्द आपके बैठ जाए। तो इस वक्त छोड़िए कि अर्जुन कुंती का पुत्र है, छोड़िए ये बातें कि अर्जुन एक महाभारत का बहुत माना परमाना हुआ योद्धा है, बिल्कुल गलत। हम अर्जुन का एस्पेक्ट लेंगे एज ए डिवोटी ऑफ ऑलमाइटी। एक इंसान के बड़े एस्पेक्ट होती है, एक इंसान के बड़े स्वरूप होते हैं। आपके बड़े स्वरूप है, जब आप बेटी थी, बेटी का स्वरूप, फिर आपका पत्नी का स्वरूप, अब आपका माँ का स्वरूप। अब यहाँ बैठे हुए आप है भक्तिमती, अब आपका ये भक्त के नाते से स्वरूप है। आपका एस्पेक्ट इस वक्त डिवोटी के नाते से है। आप इस वक्त ना बाप हैं, ना आप किसी के पति हैं, ना आप किसी की पत्नी हैं। इस वक्त क्या है? भगवान की भक्त। इस वक्त आप भगवान की डिवोटी है, तालिबे हक है। और अर्जुन जैसा तालिबे हक है, बहुत सुंदर, अति सुंदर। तो ऐसा उच्च कोटि का भक्त जो कि भगवान के एक एक भाव को बड़े आदर मान सत्कार एवं पूर्ण दक्षित होकर के श्रवण करता है। प्रश्न भी वही कर सकता है जो पूर्ण रूप से श्रवण कर रहा हो, पूर्ण रूप से, और सिर्फ श्रवण ही न कर रहा हो, मनन भी कर रहा हो, अर्थात उस पर थिंक ओवर करता हो, रिफ्लेक्ट करता हो। उसके बाद क्योंकि ये भाव नए होते हैं, विचार नए होते हैं, ऐसे हम सुनने के आदि नहीं होते। ऐसे विचार हम सुनने के आदि कहाँ है? किसने सुनाई हमें ऐसी वाणी? तो फिर खामखा मन के अंदर शंका खड़ी हो जाती है। शंका उसकी सुनने का आदि नहीं है, हमने विचारा ही नहीं कभी, तो अपनाया जाएगा बाद में। पहले शंका बाधा बन जाती है, बैरियर बन जाती है। जैसे आप यहाँ से जाती हैं तो आगे बैरियर की लकड़ी लगी होती है। यहाँ तो कहीं में देखी हरिद्वार के अंदर आपके आगे कारों के बस्ते आगे लकड़ी खड़ी जाएगी, बाद बैरियर, अर्थात पहले चुंगी दीजिए, हाँ फिर आगे बढ़िए। वहां पर एक लाल पगड़ी वाला खड़ा होता है, तो पहले चुंगी जाओ, चुंगी दीजिए, रास्ता तभी दिया जाएगा, शाबाश। तो इसी तरह शंका एक बैरियर है, अर्थात पहले समाधान हो तो आगे अपनाने का दिल करे। बैरियर, अंग्रेजी बैरियर को चुंगी भी बोलती है, बैरियर को बाधा भी बोलती है, हिंड्रेंस भी बोलती है, रुकावट भी बोलती है। बेटी बैरियर के दो अर्थ है, बैरियर मैंने चुंगी, हाँ, और बैरियर मैंने बाधा, रुकावट। शंका बड़ी भारी रुकावट है हमारे, तो यहां तक आ जाता है शंका संख्या जहर है जो इंसान की साधना को खा जाती है। इसलिए बड़ी जल्दी अपने गुरु से इसका समाधान होना चाहिए, बड़ी जल्दी। यह तो भगवान करे शंका आए, नहीं आए तो समाधान देर एंड देन करो, फौरन यथाशीघ्र समाधान होना चाहिए, ताकि फिर श्रद्धा बढ़े और मन आगे बढ़े। शंका जबरदस्त होती है मन के अंदर, जो जीव को बढ़ने नहीं देती। तो आप अर्जुन के मन में बड़ा विचार किया, सोचा, क्योंकि भगवान ने पीछे जो है दो प्रकार के मार्ग बताए हैं, निर्गुण निराकार, सगुण साकार। पीछे निर्गुण निराकार बताया, ऐसे भगवान का वर्णन किया जिसकी ना कोई रूप, ना रेखा, ना शक्ल, कुछ भी नहीं होती। ये निराकार से बोलते हैं, निर्गुण निराकार। भगवान ने चौथे अध्याय में बताया, और जाका के नहीं शायद जहां में कोई ज्ञान सी करे पाक फितरत, जो इंसान की, और फिर इतनी ज्ञान की महिमा बतलाई। और ज्ञान की महिमा के लिए कहा, अर्जुन सोच क्या रहा है, ज्ञान प्राप्त करना चाहता है, तो जो ज्ञानी है तू उनकी तहजीम कर, रसूल उनसे उर्फा की तालीम कर। इशारा किया कि जाओ किसी पहुंचे हुए के पास और उनकी सेवा कर, उनको विनम्रता दिखा। और जब देख के वो बड़े ही तेरे पर प्रेम दिखा रहे हैं, तब जाकर प्रश्न करके प्रभु मुझे भी ज्ञान प्रदान करके मेरे जैसे यमले रमले को भी हाथ मार्ग पे लगा दो और मेरा भी कल्याण कर दो। मेरे गिरा पड़ा हूं, मुझे अपने श्रद्धा और प्रेम पूर्वक उठा लो। ज्ञान की 8वें अध्याय में महिमा गाई भगवान ने, ज्ञान की महिमा गाते रहे। निर्गुण निराकार था वो भगवान जो आकार वाले नहीं है, गॉड विदाउट फॉर्म और गॉड विद फॉर्म, तो खूब ही गाई। 7वां अध्याय देख लो कितनी महिमा गा रहा है, नामाध्याय देख लो कितनी महिमा गा गया। इसी तरह कर्म योग के अंदर भगवान ने कितनी महिमा साकार की गाई, पूर्ण पेन मेरे अर्पण कर दे और मेरे अर्पण करके तू मेरा बन जा और इसमें फिर नई हरगुज कुछ कलाम मेरा वस्ल पाएगा तू ला कलाम। भगवान ने दोनों मार्ग पीछे बताया सजनों। 11वें अध्याय में गजब ढा दिया। 11वां अध्याय तो है ही बिल्कुल साकार रूप, विराट रूप कहे कि भगवान का साकार रूप। पहले भगवान अनेक भुजा वाले दिखाती है, फिर चतुर्भुजी रूप दिखाती है, पता है आपको, फिर दो भुजाओं वाले रूप दिखाती है। पहले सहस्त्र बाहु, हजारों बाजू वाले रूप दिखाया। फिर अर्जुन ने कहा भगवान मैं तो चतुर्भुजी रूप देखना चाहता हूँ, मैं डर गया हूँ, मैं घबरा गया हूँ। फिर भगवान ने चतुर्भुजी रूप दिखाया। उसके बाद भगवान ने अपना द्विभुजी सौम्य रूप दिखलाया। 3 रूप दिखलाए, ए डबल रोटी 3 रूप भगवान ने दिखाए 11वें विराट रूप में, बिल्कुल ही भक्ति से भरपूर। और आखिर में तो कमाल कर दिया, हमें एक बार रुआ भी दिया, फिर हंसा भी दिया। न मैं तप से, न वेदों के पढ़ने से, न दान से, न यज्ञ से दिखाई दे सके हरि। तो मेरा हरि कैसे नखरे करती हूँ, नखरे। हाँ, मैं तप से नजर नहीं आऊंगा, मैं दान से नजर नहीं आऊंगा, मैं यज्ञ से नजर नहीं आऊंगा, मैं वेदों के बार बार पाठ करने से नजर नहीं आऊंगा। तो ऐ नई नई बहू तू कैसे नजर आएगी? हम वही करने को तैयार है। भगवान उस वक्त हमारे वक्त की बहू बन बैठे। ऐसे नहीं मैं घूंघटा उतारूंगी, आहा, और घूंघटे भी 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 घूंघटे जब कोई नहीं देखने आता। ऐसे थोड़ी उतारूंगी, तो कैसे उतारूंगी? पहले मेरी झोली भरो फिर मैं उतारूंगी। आहा शाबाश, बड़े नखरे टखरे होते थे। खैर आज तो बस एवरीडे क्लोज डे तो होता नहीं, आज तो पर संडे और बंद, तो बस ठीक है, वक्त वक्त की बात है पुत्र। आज तो फिर जैसा चल रहा है, जैसे आप देख ही लेंगे, मैं आपको क्या बतलाऊं, आज तो बस ठीक है। आहा, तो वो वक्त रहा। ऐसे तो भगवान ने भी ये इशारा कर दिया वहां पर, ना मैं वेदों के पाठ से, ना यज्ञ से, ना दान से, ना तप से मिल सकूं। तो प्रभु पर आप कैसे मिलेंगे? तो इशारा भी कर दिया ताकि मेरे और आप जैसे शंका रख करके कहीं श्रद्धा कम ना कर लें। भगवान ने कहा क्या जो पूर्ण रूपेण मेरे परायण हो जाएगा, हाँ मेरे परायण, पूर्ण रूपेण मेरे प्राण, और मेरे सिवा कहीं और मन नहीं लगाएगा। अनन्य, मैं अनन्यता से देखा, सुना और अनुभव किया जा सकता हूं। आखिरी श्लोक, इसी से 12वां अध्याय शुरू हुआ है, बीज डल गया है। आखिरी श्लोक 11वें अध्याय में, मेरे ख्याल में शायद 56 श्लोक है या क्या है। अंतिम श्लोक में अनन्यता भगवान ने बता दी, अंतिम में। हाँ, मेरे और आप जैसे एक बार तो हिल जाता है, रोमांच हो जाता है अनन्यता, यानी बिल्कुल अपने आप को निछावर कर देना, बिल्कुल अपने आप को दे देना, जैसे आजकल लव मैरिज वाले होते हैं। हाँ, बिल्कुल ही अपने आप को सौंप देती हैं लड़कियां भी, लड़के भी, अपने जल्ले कमले, बिल्कुल ही ना माँ बाप की इज्जत, ना समाज की इज्जत का ख्याल, ना अपना ख्याल, ना अपनी कमाई का ख्याल। क्या बताऊं, झल्ले लाल कुल्ले कभी कभी आ मिलती है, मुझे दिखा जाती है और मैं उनको कहता यार यारी आपने भी लगाई, यारी मैंने भी लगाई, दोनों में मुकाबला करके देखो। रोते फिरती हैं मजनू, उन दिनों तो मजनू एक था, या मजनू अनेक है। बिल्कुल ही अपने आप को क्या लगाए फिरती हैं, बस मरे फिरती हैं, हाहाकार हुआ फिरता है। क्या कहा जाए और क्या आपको बताया जाए? ये तो अब सब सर्वस्व कुर्बान कर देती है। इधर भगवान का प्यारा भक्त कुर्बान नहीं करता, वो कहता है मेरा कुछ है ही नहीं। हाय ये इश्के इलाही, वो तो कहता है अरे जनी दी दिए मेरा सर्वस्व ले ले। इस मजाजी में कभी मुकाबला करके आपको हंसाऊंगा, इसके इलाही इसके मजाजी, शारीरिक प्यार और पारमार्थिक प्यार में इतना भारी अंतर है, अमावस्या और चांदनी रात से भी ज्यादा अंतर है, बड़ा भारी। लेकिन भगवान इनको बताता ही नहीं है। आय हाय, अपना सर्वस्व कुर्बान करते हैं, मैं सेहत भी दे रहा हूँ, मैं धन भी दे रहा हूँ, मैं अपना सब कुछ दे रहा हूँ, मेरी रात की नींद भी आराम हो गई है, मुझे खाना भी अच्छा नहीं लगता, रो रो के मेरी आंखें भी सूज गई, अब भी तो मेरी नहीं बनती क्या। हाय कैसे खींचती है बातों से। और भगत क्या कहता है, प्रभु जो मैं अपना माने बैठा था, ये तो सब अगर वो दिल से कह रहा है तेरा तेरे अर्पण। अब मुझे होश आई, होश ठिकाने आई, मुझे समझ आई, मैं तो तेरी वस्तु तेरे अर्पण कर रहा हूँ। हमारे भगवान जी इतने भोले भाले हैं, रीत जाते हैं, उनकी वस्तु उनको देने में भगवान कहते शाबाश, ये नंबर 1 है जो अमानत में खयानत नहीं डालता। बाकी तो सारे अमानत में खैर डाले, अपनी है नहीं, अपनी बनाए फिरती है। औरत अपनी नहीं है, कल ब्याह के लाए हैं, अब आज कहते हैं मेरी कोई अगर कहानी अख नाल वेखी सही, अख ना निकाल दे मैं उसको रंजीत सिंह ना बना दूं तो शाबाश। यही तो, और वो है पली पलाई आई है, रेडीमेड आई है, और हम भी रेडीमेड उसको मिल गए हैं, लेकिन इतनी छाप लग गई है अनजाने रूप में अगर आपका अंग लग जाता है, ये कोई बाजू रहता है, ओए ठीक चला कर, पता नहीं है अभी परसों मेरी शादी हुई है, शाबाश भाई क्षमा कर दे, क्षमा कर दे, जरा तरीके से चला कर यार। अच्छा भाई ये देखिए जरा कितनी मोर लग गई, छाप लग गई, कितना अपनत्व हो जाता है। जरा पर पुरुष का कपड़ा छोड़ जरा पर हाथ जो है तो आप कैसे त्योरी चढ़ा लेती है, यानी इतनी छाप है। भगवान की यही कह रही है, भगवान को भक्त कैसे दत्त है, सब कुछ मेरा है क्या जो मैं कहूँ आपको, लेकिन फिर भी मानक रीझ गए अपने आप को। इससे बोलते हैं अनन्यता, हमारी मातृभाषा में शब्द है अनन्यता, अर्थात एक्सक्लूसिवली डिवोटी ऑफ ऑलमाइटी, एक्सक्लूसिवली एक्सक्लूडिंग फ्रॉम एवरी साइड, फ्रॉम एवरी नेम एंड फॉर्म, फ्रॉम एवरी डायरेक्शन एंड इंक्लूडिंग इन वन। जरा समझिए भगवान की नजरों में वो भक्त है जिसने अपने आप को चारों ओर से खींच लिया, चारों ओर से हटा लिया है, चारों ओर से। हाँ क्यों हटा लिया, क्योंकि उसको अनुभव आता है कि ये जो जिन जहां मैं मन लगाई फिरता था ये तो भगवान के हैं, मेरे कहाँ है, इसलिए मन हटाता है। पुत्र को समझ आ गई, बुद्धि में समझ समझ फर्क हो रहा है क्या, आदमी आदमी में जो अंतर कहते हैं, कोई हीरा कोई कंकर, सिर्फ समझ समझ में, वरना नक आपका भी है मेरा भी है, गला आपकी भी है मेरी भी है, ठोडी या ढोडी आपकी भी है मेरी भी है, ये मस्तक आपका भी है मेरा भी है, ये सिर मुंडिया जवाब जो मर्जी कर लो, ये जीटी रोड मेरी भी है और कच्ची सड़क आपकी भी है, मेरी जीटी रोड है आपका पगडंडी है, जैसे मर्जी बढ़ाई फिरो, तो वो मेरी भी है आपकी भी है, बाजू मेरी भी है आपके भी है, सब कुछ है, लेकिन फर्क कहाँ है, समझ समझ में फर्क। और तो कोई अंतर नहीं करता, रोटी में भी खाता रोटी आप भी खाते हैं, इनमें कोई अंतर नहीं होता, कपड़े में भी पहनते हो कपड़े आप भी पहनती है, बोलता मैं भी बोलते हैं, फर्क कहाँ होता है, सिर्फ समझ समझ में। एक के नजरिया कुछ और प्रकार का बन जाता है, एक का नजरिया कुछ और प्रकार का बन जाता है। संसार एक ही है, पर जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। क्या कमाल का बयान है हमारे महापुरुषों का। अरे भोली भाली बात बड़े गौर से सुनना और एकाग्रता से सुनना, ये भक्ति योग है। हजारों की बन गई, अब रब करे मेरी और आपकी भी बन जाए, और मेरी तो बनी बनाई पर आपकी बन जाए, बस मैं तो अब आपके लिए आया हूं, आपकी बन जानी चाहिए। ऐसा प्रसंग भगवान चला रही हैं और फिर लगातार चला रही हैं, और मैं हूं आपके लिए, और इतना एकांत इतना चुपचाप, जरा अंबाला कैंट सिटी चक्कर काट के देखो, स्कूटर का पेट्रोल फूंक के, अगर इतना एकांत कहीं मिल जाए तो, इतने श्रद्धालु भी कहीं मिल जाए, कितने कितना श्रद्धालु और कितना एकांत है। और रब दी सौ अगर इतने वृक्ष भी इकट्ठे कहीं मिल जाए तो, ये भी कोई यूनियां है जो अपना कल्याण कर रही है, शाबाश। कितने सारा समागम कैसे इकट्ठा हो गया, भगवान ने कितना दे दिया, और बीच में ना अंबाला सिटी है, न ये अंबाला ना कैंट है, इन बिटवीन आए बैठे, बिल्कुल बीच में, इधर से कोई आए पहुंच ले और अपनी खुराक ले जाए। बेटी बड़ी कृपा भगवान की, बड़ी दया। ऐसे प्रसंग एकांत में चुपचाप शांत होकर के हम सुन रहे हैं, तो भक्ति के प्रसंग है बड़े ध्यान के साथ। तो दोनों ही भगवान ने मार्ग बतलाया पीछे, और अर्जुन बड़ा चोटी का है, निराकार का बताया। निराकार के वो मानने वाले हैं जो पिछले जन्म में जिनकी साधना है। यकलस को निराकार को नहीं मान लेता, भगवान विदाउट फॉर्म, लॉर्ड विदाउट फॉर्म, जिसकी शक्ल मिले हुए हो और अभ्यास कर रहा हो, जुटा हुआ और लगा हुआ। अचानक क्या हुआ, श्री छूट गया या आयु ने वफा न की और चला बसा, तो वो ऐसे व्यक्ति भगवान कहती हैं ऐसे अच्छे घराने में आएंगे, फिर वो जुट जाएंगे निराकार मार्ग में। वरना निराकार आदमी जल्दी नहीं पकड़ सकता, अभ्यास होना चाहिए अच्छा खासा। निराकार तो आखिरी अवस्था है, वेदांत तो आखिरी अवस्था है। महापुरुष कहती हैं पहले भले कर्म कर, हाँ अंतःकरण में निर्मल कर, फिर निर्मल होगा, फिर तू भक्ति कर, मन एकाग्र कर। जब भक्ति चोटी पहुंचेगी फिर निराकार का मार्ग लेगा। हाँ अगर आपने लेटना हो, हाँ तो आप खड़े हैं, पहला स्टेप क्या है, जरा बैठो उसके बाद लेटो, पहले खड़ा हो फिर बैठ जाओ, फिर या खड़े खड़े आराम से कहेंगे फिट पड़ गया, आप यार मैंने फिट हो गया, बस लेटना लेटते हुए सिर टूट जाएगा। इस तरह ये थोड़ा तरीका है कि खड़े खड़े आप यूं आप लेटो, ऐसे को लेट जाए तो फिट पड़ जाता है, या कोई किसी को मिर्गी की बीमारी हो तो बेटा भर हो गया। पहले बैठो फिर लेटो। इसी तरह ज्ञानी को 2 दिन में नहीं बन जाता, बोलने को क्या बोली जाओ ज्ञानी जी। पहले वो काफी मुद्दत तक निष्काम कर्म योगी बनता है, खड़े खड़े, फिर बैठ के माला जपता है, योग हो जाता है भक्ति के, फिर आखिर में वो ज्ञानी बनता है। जन्म पर जन्म लेके ज्ञानी जरूर पहुंच जाए आखिर को मेरे हजूर। आप से कहा ज्ञानी आप परमेश्वर, ये तो बेकदरी नाम की आप कर रहे हैं, वरना तो पातशाही ज्ञानी को परमेश्वर नजर, ज्ञानी आप परमेश्वर। ज्ञानी ने चूंकि अपने आप को बिल्कुल निर्मल कर लिया है, साफ सुथरा करके मालिक में वृत्ति लगाए बैठा, और भगवान कृष्ण कहते हैं मेरी आत्मा है, ज्ञानी जो चारों में सरदार है वो यकदिल है, और उससे यकदिल में हूं मैं, वो कायम है और उसकी मंजिल में। तो आपको फिर से मैं आउटलाइन ड्रा कर रहा हूं। भगवान ने सजनों और मेरी अच्छी माताओं बेटियों दोनों मार्ग बताया, निराकार भी साकार भी। निराकार ज्ञानियों के लिए, साकार भक्तों के लिए। साकार अर्थात भगवान की शक्ल वाला, बड़ी सौम्य, बड़ी सुंदर, बड़ी आकर्षक, बड़ी प्रिय भगवान का रूप। ये बड़ा आसान तरीका है, क्योंकि हमारा मन पहले कहता रूपों में मरा हुआ था, माँ का रूप में, बाप के रूप में, बहन के रूप में, भाई के रूप में, फिर श्रीमती के रूप में मर गया, श्रीमान के रूप में मर गया, फिर अपने पुत्र पैदा हो गया धीया पर उनके रूपों में मर गया। शुरू से कई जन्मों से हम रूपों में मरते आ रहे हैं, कपड़ों के रूप में मर गया, बड़े बड़े मकान, बड़ी बड़ी जायदादें इनके रूप थे, ये रूप थे। तो अब क्या हुआ, भगवान की कृपा से हम एक रूप को अनेक रूपों का कारण समझ करके एक में लग गए। इसके बोलते हैं साकार भक्ति। बड़ी आसान है, बहुत ही जीवों जैसे आप देख रहे हैं। हाँ, आप अर्जुन जैसे श्रोता नहीं, जिसको मैं बड़ी चोटी का भक्त कह रहा हूं, और जिसे संजय 18वें अध्याय में महात्मा के नाम से पुकारेगा, महात्मा अर्जुन। तो अब उसने ये सारा कुछ सुना, और फिर 11वें अध्याय के अंतिम श्लोक में कहा कि अनन्यता, जो बिल्कुल अनन्य हो, जिनका मन कहीं भी ना जाता हो, मां सिवा भगवान के, भगवान में रुक गया है, चारों ओर से समझ लिया कि एक ही भगवान है जो इन सारों को चला रहा है। जैसे अपने मंदिर के अंदर बिजली के कितने ही पॉइंट हैं, पर एक ही करंट सबको चला रही है, चाहे छोटे हैं बड़े हैं, कैसे पॉइंट हैं, लेकिन एक ही करंट सबको चलाई जा रही है। बिल्कुल ठीक है, इस तरह एक ही भगवान नाना प्रकार की जीवों को चलाए जा रहे हैं, चाहे 84 लाख की यूनियन है, चाहे करोड़ों अरबों जीव हैं, असंख्य हैं, लेकिन एक ही भगवान की सत्ता सबको चला रही है, सब में मुंह में डाले हुए। गुड गुड गुड। इसके बाद जब एक का पता लगा कि ये अनत्व ननत्व में एकत्व है, कसरत में वादत है, बस मन खिंच जाता, मन चारों ओर से हट जाता है, हट जाता। जैसे कि दिवाली वाले दिन आप खान के खिलौने लाती, कोई हिरन है, कोई हाथी है, कोई घोड़ा है, कोई खरगोश है, कोई और प्रकार के आप लाए, बड़े सुंदर सुंदर ले आए। हाँ, कोई मेना है, कोई बुलबुल है, ये सब। लेकिन जो आपकी बेटियां बेटी वो लड़ती हैं, मैंने आप जानती हैं, है बच्चे को मैं कैसे समझाऊं, ये सब खांड के बने हुए हैं। आप दना हैं, आपको पता है, आप फौरन पिकअप करें, खांड के हैं। अब आपने लड़ाई खत्म कराई, पुत्र जरा जी पर लगाओ, मित्ता मित्ता, तू लगा जी पर मित्ता मित्ता, तो क्या घोड़ा क्या खांड मिठे नहीं है, है तो मिठे। तब तक लड़ाई रही जब तक आपने बच्चों को, जो बच्चा लड़ा था घोड़े पर हाथ लगा दिया, मित्ता है मित्ता है, हाथी तो लगाओ, मित्ता है मित्ता है, खाने की कोशिश करो, अरे खाना सो रहे हो तो लड़े जा रहे हो। इसी तरह इसी तरह जी जब अनुभव खुलने लगता है, जब जीव जुटने लगता है, असलियत की पहचान खान से बने हैं। खान लकड़ी के सांची होते हैं, उसमें खान गला करके डाल देते हैं, जमा देते हैं, तो इस तरह बन जाती है, वरना तो खान ही खान है। इस तरह जिस पर भगवान की विशेष कृपा है वो समझ जाते हैं, असल तो मेरे भगवान ही भगवान जो चलाए जा रहे हैं, और रूपों में फर्क पड़ा है, कोई कैसा कोई कैसा कोई कैसा कोई कैसा, ये सांचे भगवान ने अलग अलग बना रखे हैं, वरना जो असलियत है, वास्तविकता है, वो एक ही है। चलो ना भगवान के फरमान को चूमा करो, हकीकत यही है, हकीकत सत, सदाकत यही है, सदाकत सत। भाई इनमें कुछ सब चीज क्या है, ये सब जाने वाले, टूटने वाले हैं। जैसे वो रूप जो खान के खिलौने बने वो तो टूट जाएंगे, हाँ, पर इनमें सदाकत क्या, खान तो नहीं टूटेगी, खान तो भोरा भोरा होकर के रह जाएगी, शाबाश। इनमें जो असलियत है वो तो नहीं टूटेगी, जो है शरीर खत्म हो सकता है ना, हमने तहने मारे शरीर, लेकिन जो असल आत्मा वो तो नहीं होती, ये मरती नहीं गो बदन हो हालात, भले ही शरीर टूट जाए, टूट नहीं है, लेकिन जो असलियत है जिससे ये बने हैं उनका कुछ नहीं बिगड़ेगा। शाबाश। वृक्ष जल जाएंगे, सड़ जाएंगे, शाखे सूखे सब, बूर फूल फल, लेकिन जो इनका बीज है वो रह जाएगा, उससे फिर हजारों लाखों वृक्ष पैदा हो जाएंगे। तो असलियत की पहचान करने वाला सारे रूपों से अपने मन को विड्रा कर लेता है, जैसे वह कछुआ सारे अंगों को अपने सुखेड़ देता है और गोल मटोल बन जाता है, उनको साकार भक्त कहती है। साकार के पुजारी, यानी ये उसको मानती है जो भगवान साकार है। जिनकी किस्मत नहीं अच्छी होती, बदकिस्मत इंसान अपनाने की बजाय लड़ने लग जाए। भगवान साकार होते नहीं, चल डंडा उठा लेंगे, भगवान साकार होते नहीं, भड़वे हो तुम बकवास करते हो। ये वो इंसान है, शहर पहुंच दे नहीं झगड़ाल राही, रस्ते विच ही रहन ख्वार होंदे, रस्ते वास्ते लड़दे रहन ओ दिला बेड़े उन्हां दे, कदी ना पार होंगे। ये वो कमबख्त हैं जिन्हें अपनाना नहीं, जीवन में ढालना नहीं, मार्ग में चलना नहीं, वृत्ति टिकानी नहीं, अंतर्मुखी होना नहीं, तप करना नहीं, अभ्यास करना नहीं, रस लेना नहीं। न छोटे छोटे अबोध और मासूम बच्चे लड़ रहे थे शक्लों पर, हाथी नहीं लेना, मैंने गोला लेना, गोला नहीं मैंने वो लेना, ये अगर कहीं वो जबान में चखने लग जाए, तेला भी मिथ्या मेला भी मिथ्या, चल फिर बोला बंद। जब स्वाद लेने लग जाए तो लड़ना बंद, और जब लड़ती है तो तब स्वाद नहीं लेते। ये जो साकार निराकार के झगड़े चलती हैं, ये उन कमबख्तों के हैं जो उन्हें चला नहीं है, जो जुटे नहीं, लगे नहीं। और रब को अनुभव करना है, अगर निराकार का विश्वास है निराकार का कर लो, अगर साकार का है तो साकार का कर लो। भाई जब पानी को बहुत ठंड लगती है तो जम जाता है, पर जमा हुआ भी पानी ही है। जब बहुत ही भगत प्रेम में भर जाता है तो भगवान को जम के अपना रूप दिखाना पड़ता है। और समझाए किसको, जब पानी को बहुत सर्दी लगती है जम जाता है बच्चा, बर्फ कहती है। इसलिए जब भगत बहुत चिल्ला उठती है तो भगवान को अपनी शक्ल में जम के आना पड़ता है। अय्या हो के युग युग में आता हूं मैं, भगवान का इकरार। मैं युग युग में अवतार लेके प्रकट हो जाता हूँ भक्तों के लिए जो बहुत ही चोटी के भक्त हैं। ये या तो मेरी तरह बन जाएंगे, क्या बिल्कुल ही ब्रह्मचारी बन गया, घर बार छोड़ दिया और एक तरफ लग गए, या फिर आप जैसे क्या है, आप हमारे जैसे, मैं मियां मुझे मान रहा हूँ माफ करना, हमारे जैसे रन थ्रू हो गए, जैसे रन थ्रू गाड़ी गुजर जाती है, यहीं पर जो बंसीलाल जी ने नई चला ली अपनी रन थ्रू गाड़ी, आहा एक नई बड़ी सुंदर सी बन के निकलती है रन थ्रू, शायद आने वाली है, वो कड़ी में आ रही बाबू आ रही हूँ, लो आई गई भागा भरी। तो वो ये नई गाड़ी बड़ी सुंदर, ये इसने चलाई, ये रन थ्रू गाड़ी, और आप है मालगाड़ी। हाँ पहले अपनी शादी की कुछ देर रुक गए, ये मालगाड़ी। हाँ फिर शादी में रह के फिर धन धुन कमाने लग गए, फिर बाल बच्चे हो गए, ये मालगाड़ी सॉरी दो घंटे एक एक स्टेशन पे ठहरती है। पहले श्रीमान श्रीमती में, फिर उसकी कमाई में, फिर अपनी कमाई की, फिर प्लाट लिया, फिर मकान बनाया, इतने में अपने भी बच्चे बुच्चे होते गए, धीरे धीरे बच्चों को किया कुछ, फिर आखिर में मन उपराम हुआ, वो सॉरी मेरी धियां भी चली गई, मेरे पुत्र भी चले गए, ओ मेरी घरवाली भी मर गई, मैं फिर रह गया एक एकम एक, फिर चोट लगी। हाँ फिर आप मेरी तरह वैरागी बनेंगे, फिर आप जुटेंगे। वो इतना लंबा चौड़ा मार्ग, इतना चोटे खा के जलील होके ये मालगाड़ी, फिर धीरे धीरे करके हमारे जैसे को पिछले जन्मों के संस्कार होती है, फटाफट के कुछ नहीं पड़ा है क्या इसमें रंडी रोने में, इसमें कुछ भी नहीं, इसमें तृप्ति नहीं, इसमें शांति। हमें शुरू से बात समझ आ गई, शुरू से ही छोटी उम्र से समझ में आ गई, और आपको ये सारा बाल बच्चों में लग के तजर्बे होंगे, आपको ये नाम तजर्बे बाद में होंगे। और उस वक्त ये रन थ्रू कैसे जा रही हूँ बाबा, जा रही हूँ मैं, जा रही हूँ मैंने रुकना नहीं, ना रुकना 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 रुक, कई मेरी इस तरह होती है, मेरी तरह ये फटाफट फटाफट हो गई हो गई हो गई हो गई ओ गई 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 गई, कई आए और गए इस तरह। और कई होती है मालगाड़ी, आपको बताइए आप है सारे मालगाड़ी, धीरे 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 फिर रुक गए, फिर रुक गए, फिर रुक गए, कोई पुत्र में रुक गया, कोई जी में रुक गया, कोई जवाई में रुक गया, कोई अपने घरवाली में रुक गया, कोई घरवाले में रुक गया। आहा रुक के फिर लगी चोट, फिर चल पड़े, जैसे मालगाड़ी खड़ी रही जब तक बाकी गाड़ी जाती है। और काफी देर तो शंटिंग करती है मालगाड़ी, उस डब्बे नहीं मिला तो उस डब्बे नहीं मिला, चाचे नाराज ठीक कर, मामा नाराज हो गए, उससे शंटिंग करते रहती हो, मना के लिया मामे ने, मना के लिया चाची ने, मना के लिया बड़ी बहन और बड़ा जवाई नहीं मनता, ये शंटिंग बोलो करो, शंटिंग हो रही है, ये अपनी शंटिंग है। वो भी नखरे करेंगे बड़े, जैसे वो डब्बे नहीं मिला फिर इंजन इधर जाए, फिर वो लूप लाइन दूसरी बनाए, वो कांटे वाला आए, फिर इंजन उस तरफ जाए, और जहाँ गाड़ी खड़ी है डब्बा उसको अपने साथ मिलाए, फिर इधर आए, फिर दूसरी लाइन पे आए, फिर वो मेन लाइन पे जाओ, पड़ता है शंटिंग होती है। कितने जन्म तो शंटिंग में लग जाती है। और ये गाड़ी भी आई, आधा मिनट नहीं लगा और भाग के कहाँ निकल जाए, मारिया कूका और गई आई गई आई गई आई गई। ये होते हैं कोई कोई विरले जीव होती हैं इस प्रकार का। नाप देते घर पे चोट लगी, फिर आगे बढ़े, फिर धक्के खाए, फिर किया, लेकिन आखिर में जाना तो फिर भी वही है, पहुंचना तो फिर भी वही है, अपने स्वरूप में पहुंच जाना है, तलीन हो जाना है। आइए अर्जुन ने बड़ा कमाल कर दिया, बड़ा गजब ढा दिया। मुझे पूछा भगवान से, भगवान जी रो पड़ा, चरणों में गिर पड़ा, भगवान हाँ मैं कुछ पूछना चाहूँ। जरूर अर्जुन, मैं किस मर्ज की दवा तरफ जाऊँ, निराकार की तरफ जाऊँ, और बहस विवाद से वाद विवाद या कंट्रोवर्सियल टॉपिक बन के रह जाए, आप ही बता दो काका, आप ही बता दो मेरे मालिक, दोनों में जो है ना हाँ कौन सा श्रेष्ठ है। हाय बड़े कमाल का प्रश्न। क्या मुझे निराकार के मार्ग की ओर जाना चाहिए, आपकी भक्ति में निराकार के रूप में करूं या आपकी भक्ति में साकार में करूं, आपको मैं शक्ल वाला भगवान समझूं कि बिना शक्ल वाला भगवान समझूं, आहा क्या क्या देखूं मैं आपको। तो मुझे आप बतलाइएगा, आप समझाइएगा, ऐसे हमारे उच्च कोटि के भक्त यहाँ हुए, निराकार के भी थे, साकार के भी थे। साकार वाले भी गजब ढा गए, निराकार वाले भी कोई कमी नहीं छोड़ी उन्होंने, कमाल कर दिया। निराकार में नंबर 1 आता है सुखदेव जी का, सुखदेव में और निराकार नंबर 1। फिर उसके बाद नंबर आती है उनके जो ऊपर अब जो है सनक संतन संत कुमार, निराकार में उन्होंने भी गजब ढा दिया, आय हाय आय हाय आय हाय, कमाल कर दिया। साकार में नारद जी का नाम फिर आ जाएगा फौरन, साकार में नारद जी, साकार में मीरा जी, साकार में सूरदास, साकार में हमारे प्रातः स्मरणीय संत श्रोमणी तुलसीदास जी महाराज, लो साकार के पुजारी। और 20वीं शताब्दी को ले लो, साकार में चोटी के इस 20वीं शताब्दी में हुए हैं हमारे रामकृष्ण परमहंस। साकार में देवी की पुजारा करके, भगवान के दर्शन करके तल्लीन था, और उनके शिष्य निराकार के, स्वामी विवेकानंद निराकार के, वो साकार के। इधर स्वामी राम तीर्थ पंजाब को 4 चांद लगाने वाले निराकार के, वेदांत की चोटी के। पहले साकार के दर्शन किए भगवान कृष्ण के, उसके बाद निराकार में लग करके स्वरूप के तलीन होकर के कल्याण कर गए। तो हमें हर प्रकार के मिलेंगे। मीरा साकार की नंबर 1, हाँ, और उसके मुकाबले में सूरदास जो है साकार का, उधर सुखदेव साकार के निराकार के नंबर 1। दोनों में मुकाबला देखे, भगवान एक ही जात में तलीन हुए हैं, लेकिन एक निराकार को मानता रहा, एक साकार को मानता रहा। एक तो भगवान को शक्ल वाला मानता रहा, बड़ा सुंदर रूप, और एक को भगवान रूप नहीं, निराकार में ज्योति स्वरूप, ज्योति, जिसको 13वें अध्याय में बड़ा वर्णन किया गया, आगे उसका वर्णन होगा। सारा निराकार का वर्णन है 13वां अध्याय और 14वां अध्याय, ये 2 अध्याय बड़े मार्ग के। मैं आपकी जानकारी बता दूं, जो निराकार का वर्णन करती है 13वां और 14वां, और साकार के लिए 2 अध्याय बड़े गजब के हैं, ये 12वां और पुरुषोत्तम योग नामी 15वां। ये दोनों ही साकार को लेकर चलते हैं। अब अर्जुन कह रहा, दाता, मांगी हुई छोटी सी जिंदगी के अंदर इन दोनों मार्गों में से श्रेष्ठ मार्ग कौन सा? अर्जुन का प्रश्न देखो, जिसको हमने कल विचार कर शुरू किया था। सतत एवं सतत युक्ता, लगातार जो जुट रही है। निराकार वाला भी लगातार जुटता है, साकार वाला लगातार जुटता है। ये नहीं कि 2 महीने जुटा, वो तो होती है कामी भगत, जो सकामी है, जिनकी कामना है, जब तक कामना पूरी हुई करते रहे, जब कामना पूरी होगी भक्ति छोड़ दी। ये शब्द लगाया सतत युक्ता, लगातार, विदाउट ब्रेक, कंटिन्यूअसली। निराकार में जुटता है तो ये बड़े गजब को बताया। भगत की तारीफ क्या, चाहे वो निराकार वाला हो साकार वाला। सतत युक्ता भगता, कल मैंने कहा था, सतत युक्ता भगता, जो लगातार अपने भगवान का चिंतन कर रहा है, मनन कर रहा है, उसके स्वरूप में अपने मन को लगा रहा है, वो भक्त है, चाहे वो निराकार का पुजारी है, चाहे वो साकार का पुजारी है। अर्जुन का हमारे पर बड़ा भारी एहसान, जिसने ये बता दिया कि भक्ति लगातार का विषय है। भक्ति मुसलमानों की तरह जुम्मा रात जुम्मा नहीं है, सौरे एक दिन ले बैठी है जुम्मा, और उधर अंग्रेज 21 दिन ले बैठी है रविवार संडे। लानत ऐसी भक्ति को जो 1 दिन आए और 6 दिन ना आए। भक्ति ना जुम्मा का विषय है, ना संडे का विषय है, भक्ति हर सेकंड का, हर क्षण का विषय। गजब ढा देती है, कमाल कर दिया। सतयुक्ता भक्ता, कहावत बन गई मेरी और आपके लिए। सतत युक्ता भक्ता, लगातार जिसकी वृत्ति मालक में रहती है, जिसका ध्यान भगवान में रहता है। अरे सच्ची बात है, लगातार गुजरे हुए दिन अगर कहीं प्यार हुआ होगा तो लगातार मन लगा रहता है, लगातार। तो अर्जुन ने कहा, भगवान जो लगातार जुटे रहते हैं, तो भगवान भक्त मानते भी उनको हैं जिनकी वृत्ति लगातार जुटी रहती है। आय, क्षण चढ़े क्षण उतरे सो तो प्रेम न होए, क्षण चढ़े क्षण उतरे सो तो प्रेम न होए, आठों पैर बींधा रहे प्रेम कहावे सोए। आठों पैर, 3 घंटे का एक पैर होता है, 24 घंटे बींधा रहे। बींधना होता है जैसे मोती बींधे हुए हैं, मोती में छेद किया गया, उसमें सुई और धागा डाला गया और उन्हें बेल दिया गया, एक माला की शक्ल में बना दी गई। इस तरह जिनका मन प्रेम में बिंधा हुआ है, और वाह मेरे महापुरुषो, आठों पैर बींधा रहे प्रेम कहावे सोए। ये नहीं क्षण चढ़े क्षण उतरे, ना 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 ना, ना, ना। आठों पैर बींधा रहे, बड़ा गजब भाया। आठों पैर बींधा रहे प्रेम कहावे सोए। प्रेम क्या है? आठों पैर जुटा रहे, लगा रहे। जो प्रभु लगातार सतत युक्ता है, लगातार जुटे हुए हैं, लगे हुए हैं, आप में जुटे हुए हैं, आहा, लगातार आप में, अपना भजन में, सिमरन में, चिंतन में। याद रखना भाई, जो आज के दिन आते हैं, वेलकम, आप आते हैं, लेकिन ये देखना अगर आप कल्याण के, जो सिर्फ आज के दिन, मैं संडे एडिशन को कह रहा हूँ, जो सिर्फ आज के दिन मेरी मताएं आती हैं, अगर कल्याण करना है तो फिर वृत्ति को देखना होगा कि मेरी वृत्ति मालिक में लगी रहे। आप यहाँ तशरीफ ला सके ना ला सके, ये आपका काम है, या आपका मन है, आप हर रोज आ सके ना आ सके, लेकिन एक बात याद रखनी है कि वृत्ति मेरी मालिक में लगी रहे। मेरी बेटी आपके पति का, पत्नी का, बेटी का, बेटे का, बहू का, अपने बारे में ये चिंता ना हो, बल्कि चलते फिरते मुझे भगवान का चिंतन हो, मेरा मन महाराज जी में लगा रहे। जैसे सूरदास कहते हैं, मुंह मन अंत कहाँ सुख पाए। अब मेरा मन और कहाँ सुख पाएगा, जैसे उड़ी जहाज का पंछी फिर जहाज पे आए रे मुंह मन अंत कहाँ सुख पाए। जैसे जहाज के बाद बांध पे बैठा हुआ पक्षी सजनों और मेरी बताओ मेरी बेटियों, तो उड़ेगा, उड़ा, आवाज आई उड़ा। अब उड़ा तो इर्द गिर्द कोई बिल्डिंगे नहीं है, कोई मकान नहीं है, कोई वृक्ष नहीं है, कोई पहाड़ नहीं है कि पक्षी वहां जाके बसेरा करे या पर्च करे। ओह, कोई ऐसी जगह नहीं है जिस पर वो पर्च करे, जिस पर वो बैठे। फिर उड़ता 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 फिर वहीं आएगा बाद बांध पर। जाता अनंत कहाँ सुख पाया, दाता मेरा मन अनंत मैंने और जगह कहाँ जाके सुख पाया। जैसे उड़ी जहाज का पंछी फिर मेरा भगवान प्रकट हो गए होंगे, जिनके मुख से ये निकले भगवान पसीज गए होंगे, भगवान का मन बर्फ की तरह पिघल गया होगा कि हाय कमाल कर दिया। ये है भक्ति, मोह मन अनंत कहाँ सुख पाए, जैसे उड़ी जहाज का पंछी फिर जहाज पे आए। एप्रिशिएट कीजिए, भगत कहाँ तक गए हैं। आकाश को भी फाड़ दिया, आकाश के भी टुकड़े करके भगवान के चरणों को चूम लिया। क्या मेरा मन जा कहाँ सकता है। इसे कहती है चरम सीमा पर भक्ति, इसे कहती है सच्ची और पक्की भक्ति, सच्ची और पक्की भक्ति। दाता अब मेरा मन कहा जाएगा, माँ सिवा आपके अब कहा जाए, कहा चैन दिल में माँ की चिंतन करने योग्य तो वो सत्ता है, वो सत्ता। महत्ता दो भगवान को इस तरह, और इस तरह आपका मन चारों ओर से हट जाएगा। ये थोड़ा शरीर चिंतन करने योग्य है, चिंतन करने योग्य तो वो जो इनको चला रहे। मेरे गुरुदेव जी फरमाया करते थे अपने श्रीमुख से, हाँ शरीर को समझो छकड़ा और आत्मा को समझो या परमात्मा समझो घोड़ा। आप छकड़ा चाहे सोने का बना हुआ, सोना मड़ा हुआ हो छकड़े में, लेकिन उसकी जान प्राण तो घोड़ा है। छकड़े की तो कोई कीमत है, क्वालिटी की क्या कीमत है। हॉर्स देखिए जो भगाया जा रहा है, इसी तरह शरीर छकड़ा है और आत्मा इसमें घोड़ा है। तो घोड़े का चिंतन करना चाहिए कि छकड़े का, छकड़ा तो मुर्दा है, चला कौन रहा है, भगा कौन रहा है, इस एक एक अंग को चला कौन रहा है, भगवान जी भगवान जी भगवान जी। तो चिंतन करने योग, मनन करने योग, हाँ स्मरण करने योग वही तो है। शाबाश, इस तरह आप अपने मन को मना लो। मन सोच सही, शरीर के बारे में नहीं। शरीर तो बिल्कुल ही आश्रित है परमात्मा के, आश्रित है भगवान की। भगवान ये शुरू से ही भाव बैठा देता मन में तो बहुत अच्छा होता, लेकिन भगवान कहते ना सब कुछ मैं तुम्हें दे दूंगा, लेकिन ये तो साधना करके मिलेगी। शाबाश, भक्ति यूं नहीं मिलती। कहेगा मैं भक्ति नहीं आपको दे सकता, या कोई और यहाँ पर साधु महात्मा है भक्ति नहीं दे सकता। भक्ति तो अभ्यास करके, जुट के, लग के, अपने मन को तलीन करके तब मिलती है। इसलिए मैं क्या करता हूँ, ये लगाए ना लगे और बुझाए ना बुझे। लगाया लगती नहीं और लग जाए तो बुझाया चन्ना मेरे यहाँ बुझती भी नहीं। लग जाए सही एक बारी, फिर कौन बुझाए। आहा, और लगाया लगती भी नहीं है। तो बेटी ये दूसरे का विषय नहीं है, मोहब्बत की नहीं जाती, मोहब्बत हो ही जाती है। ये शोला खुद भड़क उठता है, भड़काया नहीं जाता। मोहब्बत के लिए कुछ खास खास दिल मखसूस होते हैं। ये वो नगमा है जो हर साथियों ने ऐसा बना रखा है। किसी किसी के मन के ऊपर, किसी किसी पर भक्ति का भाव आता है, हर एक पे नहीं। हर एक पर शरीरों में मरता रहेगा, मैं तेरी थे तू मेरा वे, चन वे माई वे। कई जन्म हमारे चन में माई भी में गुजर जाती है, कई जन्म हमारे इसी में गुजर जाते हैं। इसी में शरीरों को सब कुछ समझते हुए हम मरते रहते हैं। लेकिन ऐसे भी आप जैसे जरूर होंगे जो चन माही से हटकर सच्चे चन में लगेंगे, सच्ची आत्मा में लगेंगे, सच्ची स्वरूप में तलीन होंगे। ऐसे भी जरूर रहेंगे, चाहे उनकी संख्या दिन ब दिन कलयुग में कम होती जाएगी, लेकिन भगवान के प्यारे भी इस जहान में जरूर रहेंगे। जो असलियत को देखेंगे, जो छिलके से प्यार नहीं करेंगे, छिलके में छिपी हुई गिरी से प्यार करेंगे। हाय, शरीर तो छिलका है और हमारे परमात्मा जो अंदर छिपे हुए हैं वो गिरी की तरह हैं। अपने आप को कहा करो, छकड़ा चाहिए या घोड़ा, गिरी चाहिए या छिलका। बार बार चोट मारा करो, गिरी चाहिए या छिलका, कर्नल और शेल, और कार्ट और हॉर्स। आप रोशन जमीर हैं, पुकार के कहेगी नहीं 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 नहीं, वो जो इसका कारण छिलका नहीं गिरी, छिलका नहीं गिरी, शरीर नहीं परमात्मा, शरीर नहीं परमात्मा। बस लगातार चिंतन शुरू हो जाएगा उस परमात्मा का जो शरीर की असलियत है। दो चीजें भगवान ने कैसे मिलाई है, जड़ और चेतन। शरीर जड़ और जो उसको चला रहा है वो चेतन। कितनी सच्चाई है, दो चीजें मिला दी भगवान ने, जड़ और चेतन, स्थावर और जंगम, चर और अचर। दो चीजें मिला दी, इमूवेबल और मूवेबल। और दो एक इंजन इतने डब्बों को खींचे जा रहा है। इस तरह एक हमारा शरीर, क्या कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर को खींच रहा है। एक ही तीन डब्बे भगवान ने लगा रखी हैं आत्मा के साथ, सूक्ष्म, कारण, सूक्ष्म और स्थूल। ये आपका सीड बॉडी और सूक्ष्म बॉडी और यानी और बाकी बाहर आपकी ग्रास बॉडी। हाँ, ये तीन तीन शरीर, तीन डब्बों को खींच रहा है हमारी आत्मा, तो असलियत क्या ही आत्मा। अब आपका मन चल पड़ेगा, अब आपका चिंतन परमात्मा उस असलियत का होगा, जो असलियत है उसकी, जो वास्तविकता है वो उस पर। बस ये हो गया सत सत तत युक्ता सतत युक्ता भक्ता, सतत युक्ता भक्ता। भगत कौन? जो लगातार भगवान का चिंतन कर रहा है, अर्थात जो असलियत का चिंतन कर रहा है, जो असली सत्ता का चिंतन कर रहा है। वो ये कुम्हार को पता है कि ये सब मिट्टी मिट्टी है, हम लोग जाके बोलते हैं भाई ये मटका, ये सुराही और ये घड़ा, हम ये ऐसा कहेंगे। ओ कहता हूँ मिट्टी लाया था, मिट्टी को मैंने चाक पे चढ़ा करके शक्लें दे दी। भगवान तो जानते हैं ये सारे मेरे रूप है। हम अज्ञानी, अज्ञानिकता में मरे हुए समझते रहते ये वो है, ये वो है, वो है, करो व्यवहार, लेकिन असलियत तो वो। अब इसके लिए अर्जुन कह रहा है महाराज ये जो लगातार आपकी भक्ति में चिंतन में लगे रहते हैं, लगातार आप अपने मन को जुटाए रखती हैं, तन द्वारा नहीं लगातार हो सकता, तन द्वारा हमने फराइज पूरे करने हैं। भगवान ने ये पुकार के कहा है कि गलती ना करना, तन द्वारा फराइज पूरे करने हैं, तन द्वारा हमने जुटना है। लेकिन जहाँ तो भक्ति तो मन का विषय, तन का तो नहीं। भले ही आप रोटियां पका रही हो, भले ही आप सब्जी बना रही हो, भले ही आप कोई चीज बुन रही हैं, आप कुछ और काम कर रही हैं, लेकिन जहां तक मन का ताल्लुक है वो कहाँ है? ये तो बड़ा आसान मार्ग है। जहां तक आपके मन के सोचने का ताल्लुक है, विचार करने का ताल्लुक है, ये दिमागी बात तो यहाँ आ जाती है कि आपका मन कहाँ जा रहा है, आपका मन कहाँ है। तन द्वारा कुछ भी होता रहे, भगवान तो मन को खींचना चाहते हैं, वो तो मनमोहन है, वो आपके मलमूत्र से भरे हुए तन को नहीं चाहते है, बल्कि प्रेम और श्रद्धा से भरे हुए आपको मन को चाहते हैं। नाम क्या रखा गया है? मन मोहन, मन को मोह लेने वाले, मन को खींच लेने वाले। हाँ, लेकिन हर एक के मन को तो नहीं खींचते। हम कहते हैं मिकना तीस लोहे को खींचता है, झूठ, अड़ी अड़ी झूठ है। उसी लोहे को खींचता है जिसपे मिट्टी ना चढ़ी हो। जिस लोहे पे मिट्टी चढ़ी हो, हजार बार मिकना तीस के नजदीक रख दो, अगर मिकना तीस खींच जाए तो वही मिट्टी उतार दो, अपने साथ मिला लेगा। भगवान उसी मन को खींचती है, हाँ, जिसपे वासनाओं की मिट्टी ना चढ़ी हो। वारे मेरे मालका, कामनाओं की मिट्टी ना भरे। सारों को भगवान खींच लेते, मनमोहन हर एक के लिए। कुछ मैंने बड़े शिकवे दिए हैं, आप ना देना, मैंने आपका घर पूरा कर दिया कि दाता अगर आप मनमोहन है तो क्यों नहीं हर एक को खींचते, क्यों नहीं हर एक को अपना बनाते। भगवान कहते हैं चल सौर्या, क्या बातें बनाता है, उनको कैसे खींचू। अवश्य उम्मीद, अवश्य अमल, अवश्य इल्म, उनका समझ में खलल, उनको नहीं खींचते। जिनके अंदर वासना खुद काम है, कामनाओं में मस्त, वो जन्नत के ताले में जन्नत परत फंसे। जिनके दिल ऐसे अफवाल में घिरे, ऐशो दौलत के जंजाल में, समाधि नहीं, दिल पे काबू नहीं, कि अकले इरादी ही यक्ष, उनको नहीं खींचते भगवान। है मनमोहन, बहुत चलाक है, बहुत चलाक है भगवान। भगवान कहते मैं तो उन्हीं को खींचता हूँ। किनको? किनको? जिनमें प्रेम भरा हुआ है, श्रद्धा भरी हुई है और भक्ति भाव भरा हुआ, उनके लिए मनमोहन है। और दूसरों के लिए भगवान कहते हैं, दूसरों के लिए भगवान कहते हैं ये इनको पता लगेगा, अपनी करनी का फल पाएंगे, रोएंगे, चिल्लाएंगे, उसके बाद ये मेरा भजन करेंगे, तब मैं कहूंगा। कोई आदमी गर्चे बदकार है, फिर भी भगवान कह भी ना रह सके, मगर मेरा दिल से परस्तार है। गंदे कमीने विलासी आदमी जब भगवान की ओर बढ़ते हैं, भगवान कहते बस बस बस, ये अपनी मिट्टी उतारने लगे हैं, अब मैं मिकनातीस बन के इन्हें खींच दूंगा। भगवान मनमोहन उन्हीं के लिए है। प्रभु जीवों के मोह को मिटाने के लिए तो आपने अवतार लिया था। उल्टे मोहन रूप धुरी, मोही सब ब्रजनार, उल्टे ऐसा रूप बनाया कि सब बालकों को और ब्रजनारी को, सारों को अपने बना लिया है। तब बना लिया जब जी में प्रेम और श्रद्धा भर जाती है। तब अपने को, अगर हम चाहते हैं कि हमें मनमोहन खींच ले, तो अपने को प्रेम और भक्ति में सराबोर करना होगा, प्रेम और भक्ति में एक में करना होगा। सरकार सरकार सरकार, आहा, यूनिवर्सिटी के पास बड़ी डिग्रियां पड़ी हैं। सरकार, अगर आप कोई डिग्री चाहती हैं तो उसके लिए दिन रात एक करना होगा, पढ़ाई करनी होगी, दिन रात उसके प्रिस्क्राइब कोर्स पूरे करने होंगे। भले ही आप घर में बैठे हुए, हाँ, वो कॉरस्पॉन्डेंस कीजिए, पर कॉरस्पॉन्डेंस में तैयारी तो करनी पड़ेगी जनाब आली। आजकल कॉरस्पॉन्डेंस कोर्स भी चल पड़े हैं, लेकिन जो उनका प्रिस्क्राइब है वो तो आपको तैयार करना पड़ेगा सरकार। इसी तरह मेरी बेटी, डिग्रियां तो बहुत है, पर जनाब आप अपने आप को कैपेबल बनाइए, आप अपने आप को किसी डिग्री के फिट फॉर कीजिए, एंड यू विल गेट दैट। भगवान तो सर्वव्यापी है, हाँ, सबके लिए वो परम पिता है। कह चुके हैं मैं सारे जहां का हूँ माता पिता, मैं दादा हूँ सबका, मैं हूँ आसरा। पर क्या करे, भगवान कहते मैं तो हूँ, मगर वो जो पूजे बस को यकीन, वो मुझ में और मैं हूँ उनमें मकीन। क्या सूरज जो निकला हुआ 10-11 बजे, क्या लकड़ी में नहीं है? है, और सूरज जो शीशा है उसमें तो इतनी चमक है कि हम आंखें चार नहीं कर सकते, और इसमें नहीं, सूरज है लेकिन इसमें चमक नहीं, इसमें आवरण है, नजर नहीं आता। और जबकि एक कांच ने या एक बिल्लौर ने अपने आप को इतना निर्मल किया है कि सूर्य प्रत्यक्ष नजर आता है। भगत ने अपने आप को भक्ति द्वारा, जाप द्वारा, भजन द्वारा लगातार महाराज जी में मन लगा के इतना निर्मल किया है कि मैं क्या बोलूंगा और आप क्या सुने, क्या समझाओ मेरी बेटी, वरना वो भी प्रकृति का शीशा है और वो भी प्रकृति की लकड़ी है, उसमें सूर्य नजर नहीं आता और इसमें क्यों नजर आता है। इसने अपने आप को साफ किया है, साइकिले और उसपे अभी अवर्ण है। वैसे सारे रब के रूप हैं, मेरे वास्ते खल्क यकसा है सब, ना इससे मोहब्बत ना उससे गजब, मगर वो जो पूजे बासित को यकीन, वो मुझ में है मैं हूँ उनमें मकीन। जिन्होंने अपने आप को निर्मल कर लिया, साफ कर लिया। कपड़ा तो यार हम एक ही दुकान से लाए थे और एक ही दर्जिये से लाया था, पर आपने बहुत मैला खराब कर लिया। हाँ, मक्खियां भिन भिन आती हैं, जबकि हम दूसरे दिन तीसरे दिन धो लेती हैं, साफ कर लेती हैं और सुखा लेती हैं। हम कपड़ा, हमारा कपड़ा चमकीला है, आपको कपड़ा गंदा क्यों है, आप धोते नहीं है, हम धो लेते, इतना ही फर्क है। कपड़ा तो एक ही है। इस तरह अंताकरण को हम एक ही लाए थे, एक काला कर लेता विषय विकारों और आफतों में, और एक महाराज जी का नाम ले लेके धोता रहता है। ओ धोपे नावा के रंग भरिए मत पापा के संग, ओ धोपे नामा के रंग, वो भगवान की जाप भजन से धूप धुला जाता। सजनों और कल्याणकामी मेरे भाइयों, मेरी माताओं बेटियों, हाँ, अर्जुन के माध्यम से, अर्जुन के मीडियम से भगवान जी बता रहे हैं, सतत युक्ता भक्ता। कौन भक्त है? मैं कह दूं, आप कह दूं, इट मीन्स नथिंग। इफ यू से डिवोटी एंड आई से यू आर डिवोटी मीन्स नथिंग। भगवान कहे ना ये मेरा भक्त है, और भगवान किसको कहेंगे? सतत युक्ता, जो लगातार महाराज जी के सिमरन चिंतन में जुट गए हैं, जो मेरी देवियां बेटियां लगातार महाराज जी के चिंतन में हैं। ये ध्यान देना जी, ये अपने मन में हमेशा बिठा लो कि मैं कहीं भी रहूं, मैं कुछ भी करूं, लेकिन मैं मानसिक रूप में भगवान के साथ रहूंगी। मैं कुछ भी करता रहूं, मैं मेरे से भगवान कोई भी कार्य लें, लेकिन जहां तक मन का ताल्लुक है मालिक के साथ रहूंगा। क्योंकि दुनिया में चिंतन करने योग्य भगवान है, बाकी तो कोई है ही नहीं। कोई आज गया, कोई कल गया, कोई जाने वाला। अभी अभी यू एक एक कर जाएंगे इस दुनिया के लोग सभी, अगर इनका चिंतन करेंगे हाँ, तो फिर इनके संग जन्मना पड़ेगा। जन्म अहले किरदार में आके ले, भगवान ने कहा हुआ। अगर आप इनका चिंतन करोगे तो इन्हीं के साथ जन्मोगे। भगवान ने स्पष्ट कहा, जो देवों को पूजे वो देवों को पाए, परस्तार मेरे पास आए। और अगर भगवान का चिंतन करेंगे तो भगवान की तरफ मन बार बार लपकेगा और भगवान की जात में जाएगा। ये तो डिमांड एंड सप्लाई का क्वेश्चन है। ऐसी डिमांड सो रिप्लाई, जैसी मांग वैसी पूर्ति। ये मेरी मैया हो, मेरी अच्छी बेटी। भगवान ने कितना स्पष्ट किया है, जो भूतों को पूजे वो भूतों को पाए, सनम के पुजारी सनम से मिले, हमारे परस्तार हमसे मिले। हमने जान लिया है कि इस संसार की हकीकत, इस संसार की रियलिटी भगवान जी, भगवान जी, भगवान जी। इसलिए हमने मिट्टी का चिंतन नहीं करना, मिट्टी के बनाने वाले का चिंतन करना, उसको भार का चिंतन करना है, उसकी ये टूटने वाली रचना का चिंतन नहीं करना। रचयिता का चिंतन, ना के रचना का चिंतन। समझे बेटी? क्रिएटर का चिंतन, ना के क्रिएशन का चिंतन। हाय, खालक का चिंतन, ना के मखलूक का चिंतन। बस बेड़ा पार हुआ, फिर हमारा मन उस हकीकत, उस असलियत या उस वास्तविकता में लगा रहेगा। अर्जुन यही पूछ रहे, प्रभु सतत युक्ता भक्ता, जो निराकार के पुजारी हैं या साकार के पुजारी हैं, पर है लगातार चिंतन करने वाले, उन भक्तों में हाँ अर्जुन, आपको कौन सी श्रेष्ठ है? तो वो लगातार आपको पूजा करने वाले, लगातार आपके जुटने वाले, पर इनमें श्रेष्ठ कौन है? हु इज द सुपीरियर, हु इज द सुपीरियर, सुपीरियर कौन है इनमें? आला कौन है? अच्छे कौन है? वैसे तो लगातार जुटती हैं, वैसे तो लगातार ही लगे हुए हैं। आहा नियम्मा ए अम्मा, लग तेरा लम्मा। अरे बड़ी जनता में कह रही है, अच्छा अम्मा तेरा नक छोटा था। अम्मा एक बात तो बता, हाँ तो अभी अभी आ रही थी, हाँ ये दो कौन थे? एक तेरे गोदी में, एक तेरे पीछे। हाईवे पर गई, मेरी तो है ना, मेरे नाते तेरी सही, तेरे लड़की है, मेरी तो लड़की है। तो ये क्या बात है, एक गोदी में उठाया हुआ, इसको एक के ऊपर गया। हाँ, वो तो 6-7 साल का दौड़ सकता है, ये तो मेरा 2-2.5 साल का है, ये इतना दौड़ कर सकता है, बार बार गिर जाता है। हाय भक्त, साकार के भगत भगवान के गोदी के भक्त है, निराकार के भगत भगवान के प्राण भगत है, बड़े भगत है। आहा जरा सियाणी है, जरा अच्छी है, ये मासूम बच्चे हैं। साकार के पुजारी मासूम बच्चे, और जो निराकार के पुजारी हैं वो जरा बड़े हैं, पर दोनों ही माँ के पुत्र हैं। एक माँ अपने पीछे पीछे ला रही है और एक को गोदी में लिए हुए है। हाय, हो भगवान के प्यारे, हो मेरी भगवान के चरणों की दासी हो। जो साकार का पुजारी भगवान की गोदी का बच्चा है, जो निराकार के वो बड़े हैं, प्रौढ़ हैं, उनकी पिछले जन्मों की साधना है, वो 6-7 साल के हैं, पीछे पीछे भागा आएगा, अम्मा अम्मा आजा पुत्र आजा पुत्र, और वो तो रह नहीं सकता, वो तो छोटा है, मासूम है, इमेच्योर है, अबोध है। हाय अबोध बच्चे को तो फिर भगवान जी कह रहे ना श्रेष्ठ है। अर्जुन ने यही पूछा श्रेष्ठ कौन सा है इन दोनों में से, वरना प्रश्न बड़ा है हैरानगी वाला। निराकार सकाल अर्जुन कह रहा सतयुक्ता है, दोनों जुटे हुए हैं, दोनों ही माँ के पुत्र, इसी गोदी के लाल है, इसी पेट के बच्चे हैं, लेकिन एक बड़ा है और एक गोदी का है, छोटा नहीं कहीं गोदी का है, गोदी का बच्चा। तो इसलिए अर्जुन भगवान से कहना चाहते हैं प्रभु ये है तो ये दोनों आपका चिंतन करने वाले, लेकिन दोनों में श्रेष्ठ कौन सा है, दोनों में कौन सा श्रेष्ठ है, आला कौन सा है। अब माँ को गोदी का बच्चा बड़ा आला लग जाता है, जब 4 भाई होते हैं ना, हाँ बंटवारा हो जाता, पिताजी की सीट छोड़ने का बंटवारा हुआ, हाँ तो अब माँ को पूछा जाए अम्मा तू किसके साथ रहेंगी। मैं छुटकू के साथ, छुटकू के साथ, छुटकू ये मैंने नया शब्द सुना, पता आप भी मेरे से ले लो छुटकू, मैं तो अपने छुटकू के साथ रहूंगी, क्योंकि उसी के साथ रह रह के अभ्यासी हो गई है। बड़ा कलकत्ता चला गया औरत ले करके, छोटा जो है दुकानदार बन करके वो जो है जोगीवाड़े में रह रहा है, और जो नंबर 3 है वो चंडीगढ़ चला गया औरत ले करके। जो छुटकू है छुटकू वो तो माँ के साथ है, और अभी उसकी शादी भी नहीं हुई, कुआरा है कुआरा, अभी तो माँ उसको चूमती चाटती है, चाहे 23 साल का, अभी तो वो माँ उसके सर्वस्व। मैं तो अपने छुटकू के साथ रहूंगी, यही कह रहा है अर्जुन के। महाराज जी आपको वडकू और छुटकू में श्रेष्ठ कौन सा लगता है? वडकू और छुटकू में, वडकू ज्ञानी और छुटकू भगत, इन दोनों में श्रेष्ठ कौन सा है, बस यही मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। मेरे सरकार लो मेरे योगी जरा बता दीजिए, इन दोनों में मरहूब तर, इन दोनों में अच्छी मैं निराकार की भक्ति करूं या आपके साकार की भक्ति करूं। हार्दिक धन्यवाद, आशीर्वाद।